पंजाब सरकार की ओर से बनाए द पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई बिल 2021 के दायरे से बाहर रखे जाने से नाराज नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी 18 दिन से हड़ताल पर हैं, जिसमें एनएचएम के अधीन आते मेडिकल अफसर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ईएनएम, कम्युनिटी हेल्थ अफसर, स्टाफ नर्सें, आरएनटीसीपी स्टाफ, आरबीएस के स्टाफ, क्लेरिकल कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। एनएचएम कर्मियों ने लुधियाना के सिविल सर्जन दफ्तर से डीसी ऑफिस तक रोष मार्च किया। यहां पहुंचकर उन्होंने कोविड-19 में बेहतरीन सेवाओं के लिए मिले प्रशंसा पत्र एडीसी को वापस लौटा दिए। उन्होंने कहा कि वे 15 साल से मामूली वेतनों पर काम कर रहे हैं, प्रशंसा पत्रों से किसी का पेट नहीं भर सकता, इसलिए यदि सरकार उन्हें रेगुलर नहीं करती है तो उनके लिए इस प्रशंसा पत्र का भी कोई महत्व नहीं है। यूनियन नेताओं ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोग घरों में बैठे थे तब एनएचएम कर्मी ड्यूटियों के लिए सड़कों पर थे। आज जब सरकार हरेक विभाग को कुछ न कुछ दे रही है तो उन्हें इससे वंचित रखे जाने पर एनएचएम कर्मी अपने हकों के लिए सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि यदि अब भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो स्टेट कमेटी के दिशा निर्देश पर संघर्ष और तेज किया जाएगा। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। देखो जी, एनएचएम दे विच 15-20 साल तो जॉब कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस से। सरकार ने एक हुण एक्ट बनाया जिदे विच 36,000 मुलाजम कहा कि असी पक्के करांगे, पर उहदे विच सानू उन्होंने कोरा जवाब देता कि तुहाडा असी मतलब कोई कुछ नहीं कर सकते। देखो जदों करोना काल दे विच सब तो वध जिहड़ा उह हैल्थ डिपार्टमेंट ने सरकार का साथ दिता, मरीजां का देखभाल की है, तो उदों सरकार नूं इह नहीं पता लग्गिया कि इह सेंटर स्कीमां दे अधीन मुलाजम रखे हुए ने। हुण जदों पक्के करन दी वारी आई है तो सरकार कहिंदी तुसीं तां जी सेंटर दे मुलाजम, असीं तुहानूं पक्का नहीं कर सकदे। स्टाफ नर्स सरनजीत कौर, सानूं 15 साल हो गए इस महकमे 'च काम करदे, असीं अपनी पूरी लाइफ रिस्क 'च पा के करोना दे विच काम कीता, सरकार ने साडे नाल मीटिंग कीती, वादा कीता वी असीं तुहानूं पक्के करांगे करोना तो बाद। करोना भी चलिया गया, मुड़ मुड़ के उहदियां वेव्स भी आ गईआं, पर असीं ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜੰਪ ਲਗਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜੰਪ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕੇ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਤੰਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।